भारत में अनेक शिव मंदिर हैं और सभी का अलग अलग महत्व भी है। ऐसा ही एक मंदिर दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में अबरामा गांव में स्थित है। इसे तड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 800 साल पुराना है। भोलेनाथ के इस मंदिर पर शिखर का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। आज इस वीडियो में हम इस अलौकिक मंदिर के बारे में आपको कुछ रोचक तथ्य बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1994 में मंदिर का पुनर्निर्माण कर 20 फुट के गोलाकार आकृति में खुले शिखर में किया गया। शिव भक्त उपासक हर समय यहां दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करने आते रहते हैं। श्रावण माह में महाशिवरात्रि पर यहां विशाल मेला लगता है। इसकी पौराणिक मान्यता, 800 वर्ष पुराने इस अलौकिक मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक ग्वाले ने एक बार पाया कि उसकी गाय हर दिन झुंड से अलग होकर घने जंगल में जाकर एक जगह खड़ी होकर अपने आप दूध की धारा प्रवाहित करती है। ग्वाले ने अबरामा गाँव लौटकर ग्रामीणों को उसकी सफेद गाय द्वारा घने वन में एक पावन स्थल पर स्वतः दूध अभिषेक की बात बताई। शिव भक्त ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो पवित्र स्थल के गर्भ में एक पावन शिला विराजमान थी। फिर शिव भक्त ग्वाले ने हर दिन घने वन में जाकर शिला अभिषेक पूजन शुरू कर दिया। ग्वाले की अटूट श्रद्धा पर शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी ने ग्वाले को स्वप्न दिया और आदेश दिया कि घनघोर वन में आकर तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, अब मुझे यहाँ से दूर किसी पावन जगह ले जाकर स्थापित करो। ग्वाले ने ग्रामीणों को स्वप्न में मिले आदेश की बात बताई। ग्वाले की बात सुनकर सारे शिव भक्त ग्रामीण वन में गए। पावन स्थल पर ग्वाले की देखरेख में जब खुदाई की गई तो ये शिला 7 फुट की शिवलिंग रूप में निकली। फिर ग्रामीणों ने पावन शिला को वर्तमान तड़केश्वर मंदिर में विधि विधान से प्रतिष्ठित किया, साथ ही चारों ओर दीवार बनाकर ऊपर छप्पर डाला। फिर ग्रामीणों ने देखा कि कुछ ही वक्त में ये छप्पर स्वतः ही सुलग कर स्वाहा हो गया। ऐसा बार बार होता गया, ग्रामीण बार बार प्रयास करते रहे। ग्वाले को भगवान शिव ने फिर स्वप्न में बताया कि मैं तड़केश्वर महादेव हूँ, मेरे ऊपर कोई छप्पर आवरण ना बनाए। फिर ग्रामीणों ने शिव के आदेशानुसार शिवलिंग का मंदिर बनवाया, लेकिन शिखर वाला हिस्सा खुला रखा ताकि सूर्य की किरणें हमेशा शिवलिंग पर अभिषेक करती रहें। तड़के का यहाँ पर अभिप्राय धूप है, जो यहाँ शिव जी को प्रिय है। आप में से कितनों को ये तथ्य पता था हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मजेदार तथ्यों को जानने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।